देश के टू व्हीलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस मोटर कंपनी की हिस्सेदारी 23% है साल 2024 तक अगर आप देखते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कोई स्कूटर हासिल कर रहा है तो वो है टीवीएस का जुपिटर, जो कि आज आप यहाँ मेरे साथ देख रहे हैं। साल 2013 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, 2024 चल रहा है और एक दशक में इस स्कूटर में कई तब्दीलियाँ की गई। 110 सीसी के साथ आने वाला ये स्कूटर अब पूरी तरह बदल गया है, लुक्स और डिज़ाइन पूरी तरह नया देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इंजन भी अब आपको नया देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी भी कंपनी ने पूरी तरह नई दे दी है। इतना ही नहीं, इस स्कूटर में काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं, बेस्ट इन क्लास हैं और परफॉर्मेंस किस हिसाब से आपको देखने को मिलती है वो भी आपको इस रिव्यू में देखने को मिल जाएगा। शुरुआत अगर हम लुक्स और डिज़ाइन से करते हैं तो ये स्कूटर दिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो दूसरे स्कूटर से हटकर है। देखो, इस सेगमेंट में हीरो का जूम भी आता है जो कि देखा जाए तो दिखने में काफ़ी अच्छा, आपको एक स्पोर्टी लुक देता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये स्कूटर अभी भी आपको डिसेंट लुक के साथ नज़र आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी हो गया है। और कंपनी ने इस स्कूटर को बेसिकली फैमिली को ध्यान में रखते हुए तो बनाया है, साथ ही साथ यूथ को ध्यान में रखते हुए भी बनाया है। यहाँ पर आपको कनेक्टेड LED DRL देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, 6 कलर ऑप्शंस कंपनी इस स्कूटर के साथ दे रही है। बाकी LED हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। बाकी TVS का लोगो यहाँ क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा, क्रोम फिनिश का अगर इस्तेमाल आप देखते हैं तो जुपिटर जो लिखा गया है वहाँ आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो एग्जॉस्ट है उस पर भी जो पैनल लगाया गया है वो भी क्रोम का लगाया गया है। बाकी मेटल मैक्स बॉडी का कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है, जो कि अगर आपने देखा होगा TVS जुपिटर 125 उसमें भी मेटल मैक्स बॉडी का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जहां जहां से स्कूटर गिर सकता है वहां वहां कंपनी ने मेटल यूज़ किया है। लेकिन जहां मेटल नहीं है, जैसे कि फ्रंट एप्रन अगर आप देखते हैं तो यहां पर मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी एक दो जगह और हैं जहां पर मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली फाइबर आपको देखने को मिल जाता है। टायर्स अगर आप देखते हैं तो 12-12 इंचेस के मिल जाते हैं आगे और पीछे, और दोनों ही जगह आपको 90-90 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। और डिस्क ब्रेक अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको पीटल डिस्क मिल जाता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, यानी कि अभी तक आपको किसी और स्कूटर में देखने को नहीं मिला होगा। बाकी TVS यूरो ग्रिप के आपको टायर्स मिल जाते हैं, एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ये स्पोर्टी नज़र आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोडायनेमिकली कंपनी ने इसमें काम किया, ये जो क्रीजेज आप देख रहे हैं ये इस स्कूटर को काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ सीट अगर आप देखेंगे तो सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, ईजिली दो लोग तो बैठ जाएंगे आरामदायक अवस्था में, और बीच में सामान रखना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली रख सकते हैं। इसके अलावा लेगरूम अगर आप देखते हैं तो जो लंबा व्यक्ति है हो सकता है उसे थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन सीट इतनी लंबी है तो थोड़ा पीछे होके भी अगर इस स्कूटर को चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर लेग स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में ही अगर आप देखते हैं तो इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये पुश लॉक के साथ आता है और नीचे फ्यूल टैंक दिया जा रहा है 5.1 लीटर्स का, जो कि पर्याप्त है। हालांकि हीरो जूम में आपको 5.2 लीटर्स का मिलता है, बाकी 2 लीटर का यहां पर आपको फ्रंट में स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि पर्याप्त है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो की इग्निशन का जो बटन वगैरह है उसमें ही आपको यहां पर जो बूट लिड ओपन करने का कंट्रोल है वो आपको मिलता है। बाकी थोड़ा बहुत सामान टांगने के लिए आपको यहां पर एक हुक दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेज़ है और इस स्कूटर का वेट 105 किलोग्राम है, जो कि अच्छी बात है और हीरो जूम के मुकाबले कम है, यानी कि हल्का हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हीरो जूम तो थोड़ा सा भारी नज़र आता है। और इसकी जो सीट हाइट है वो 770 mm है, तो ऐसे में अगर शॉर्ट हाइट है आपकी तो भी आप इसे ईजिली चला सकते हैं। बेसिकली गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल साबित होने वाला है। अगर आप इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस चेक करते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, 163 mm देखने को मिल जाता है, जबकि हीरो जूम में आपको 155 mm के आसपास देखने को मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो LED टेल लाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगी, पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल कंपनी ने किया है और जैसे कि शुरुआत में बताया जुपिटर जो लिखा गया है वो क्रोम फिनिश में है, और जो ग्रेब हैंडल्स है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। अब इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं, अगर आप इसका बूट ओपन करेंगे, बेसिकली यहाँ से की से ही कर सकते हैं, लेकिन बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाता है।
33 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि TVS Jupiter 125 है उसमें भी इतना ही मिलता है। और यहाँ पर दो हाफ फेस के हेलमेट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फुल फेस का हेलमेट रखना चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर देखने को मिलती है। हालांकि आप अंदर सामान काफ़ी सारा रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर OBD पोर्ट वगैरह अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटा सा हुक है तो इसमें आपको OBD पोर्ट देखने को मिल जाता है। बूट लिड कर देते हैं बंद। इसके अलावा स्विचेस वगैरह अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विचेस हैं ये काफ़ी अच्छे खासे नज़र आएंगे, प्रीमियम क्वालिटी के नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो हाउसिंग देख रहे हैं यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर का ट्रीटमेंट हल्का फुल्का नज़र आएगा, जो कि अगेन इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। बीच में एक MID दी गई है और ये जो MID यूनिट है पूरी तरह डिजिटल है, कलर नहीं है, लेकिन हाँ आपको कुछ कुछ कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वाइट एंड रेड, ग्रीन वगैरह, ये मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाते हैं। LCD नहीं है, नॉर्मल डिजिटल है। इसमें आप मोड्स देख सकते हैं, जो कि अगर आप मोड देखेंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी तरह ऑडोमीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, एवरेज इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है। और जो इसमें दो मोड्स दिए गए हैं, यानी कि जब आप इस स्कूटर को चलाते हैं उस समय इको पर चल रहा है या पावर पर चल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यही MID यूनिट आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट कनेक्ट ऐप के ज़रिए आप इस स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और जो राइड स्टैट्स वगैरह हैं वो तमाम जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं, जो कि कनेक्टेड फीचर्स के तौर पर। इसके अलावा वॉइस कमांड असिस्ट वगैरह के फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इस स्कूटर में आपको दिया जा रहा है TVS का आईगो असिस्ट, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी है। और ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। देखो, जो इंजन दिया जा रहा है वो तो बिल्कुल नया है, 113 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन आपको मिल जाता है। 8.1 PS की पावर है, यानी कि 7.9 BHP की पावर। साथ ही आपको 9.2 Nm का टॉर्क मिलता है विदाउट आईगो असिस्ट अगर आप इसे चलाते हैं, और अगर आप इसे विद आईगो असिस्ट चलाते हैं तो आपको 9.8 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अब बेसिकली ये आईगो असिस्ट काम कैसे करता है? तीन चीज़ों के साथ काम करता है, एक ISG कंट्रोलर, दूसरा ISG मशीन और तीसरा बैटरी। ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब आपको बेहतरीन पावर बूस्ट तो देते ही हैं, साथ ही साथ बेहतरीन माइलेज भी ऑफर करते हुए नजर आते हैं, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और ऐसा जब हमने इस स्कूटर को चलाया तो देखने को भी मिला। पावर में जो बूस्ट है वो तो ऑब्वियसली बात है हमें देखने को मिला ही मिला। MID यूनिट है, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी देखने को मिलता है कि विद असिस्ट चल रहा है स्कूटर या फिर विदाउट असिस्ट चल रहा है। और इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, इंजन रिफाइंड होने के साथ साथ स्कूटर से आपको पर्याप्त पावर भी मिल जाती है। आप 110 cc सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये नज़र आने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, जो कि आपको पावर और इको, ये जो दो मोड मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड, अगर आप इसे इको पे चलाते रहेंगे तो आपको ये स्कूटर काफ़ी अच्छा खासा माइलेज देता हुआ भी नज़र आता है। हालांकि माइलेज टेस्ट हमने अभी नहीं किया है, जब इस स्कूटर को रोड टेस्ट रिव्यू पर चलाएंगे तब आपको दिखाई देंगे कि किस हिसाब से ये स्कूटर हमें माइलेज ऑफर कर रहा है। लेकिन पावर मोड पर अगर आप चलाएंगे स्पीड अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, 90 km/h की टॉप स्पीड पर मैंने इस स्कूटर को चलाया है। अब फ्रंट में पेटल डिस्क तो मिलता है, रियर में ड्रम मिलता है, तो ऐसे में ब्रेकिंग भी इस स्कूटर में ज़बरदस्त है। और ब्रेकिंग की बात हो रही है तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी कंपनी ने इसमें दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इमरजेंसी ब्रेकिंग। अगर आप 50 km/h या उससे ज़्यादा की स्पीड पर इस स्कूटर को चला रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं, तो जो LED ब्लिंकर्स हैं, यानी कि जो इंडिकेटर्स हैं, वो बार बार ब्लिंक होते रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। अगर पीछे से कोई आ रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि इसने एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग ली है, तो हमें भी वहां सावधान होने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस स्कूटर में फॉलो मी होम लैंप भी दिया जा रहा है, जो कि एक ऐसा फीचर है, अगर आपने इस स्कूटर को बंद कर दिया है और आप एकदम जा रहे हैं चाबी वगैरह निकाल के, तो ये कुछ सेकेंड तक जो इसका हेडलाइट है वो आपको फॉलो करता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। ओवरऑल यही था TVS जुपिटर 110 के बारे में। आप बताओ आपकी क्या राय है इस नए जुपिटर 110 को लेकर, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताएं कि आपको इसमें मिलने वाले फीचर्स कैसे लगे, जो इसका डिज़ाइन है वो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नए जुपिटर 110 में क्या कुछ खास है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।